ये है जी हमारा बकरा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल हर कैसे होंगे। इसी के साथ आपकी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है ईद उल अज़हा, तो पहले ईद उल अज़हा की नमाज अदा करके आते हैं, क्योंकि मैं रेडी वेडी हो गया हूँ। तो ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, तो जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस। तो ईदगाह पहुँच चुके हैं, तो पहले करते हैं नमाज ईद उल अज़हा अदा, और उसके बाद कुछ खाएं पिएंगे या जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। वो इतने खूबसूरत होते नजर नहीं आते हैं, इतने खूबसूरत होते नजर आते हैं ये कुर्बानी वाले जानवर। हालांकि चंद दिन हमने उनको पाला है, चंद दिन हमने उनको चारा डाला है, चंद दिन ही हमने उनके खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन कुर्बानी वाला जानवर अगर हम। तो ईद नमाज अदा कर लिया, तो सब आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा मुबारक। तो अभी कुछ खाए पियेंगे या एक जगह नमाज आते हैं और कुछ खाने की चीजें लेंगे या जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। A few moments later. भाई ओरिजिनल ना बस यही है। तो यहाँ से लेते हैं कुछ खाने को, तो मैंने कुछ चीजें ली हैं, केक वगैरह और पानी पूरी वगैरह, तो वो लेके चलते हैं घर। और हाँ, हमारा एक खीसा डाला हुआ था गोश्त का, वो भी पकड़ना है बड़े जानवर का, तो वो भी लेते हैं और घर चलते हैं और अपनी कुर्बानी करते हैं। ते भी दस। तो ये है जी हमारा हिस्से वाला गोश्त। ओके। तो बकरे की कुर्बानी का वक्त आ गया है, कसाई आ गया है। कुछ मेमोरीज हमारे रईस बकरे के साथ, यार बहुत याद आओगे तुम रईस। तो ये है जी हमारा बकरा, तो इसको भी जीवा कराएंगे कुछ देर में। One hour later. तो हमारा बकरा बकरा जीबा हो गया, तो अभी इसके जरा पीसेस वगैरह हो रहे हैं, तो कल दूसरे दिन बारबेक्यू वगैरह चलेगा। A few moments later. जब तक ये बूटियाँ वगैरह बन रही हैं, तब तक इससे पानी पूरी से पेट भरते हैं। तो ये तो मेरे फेवरेट है, मज़ेदार है, कमाल के। देखें आप पानी मज़ेदार। तो मटन कढ़ाई भी तैयार हो गई है, तो मैं उसमें से चुन के अपनी फेवरेट बूटियाँ ले आया हूँ, तो ये भी खाते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है जी। Four hours later. आज के डिनर में मैंने ये मंगवाया है चिकन पास्ता, क्योंकि मैं तरह ना चिकन ज़्यादा खाना, बीफ वगैरह नहीं खाता, तो इसलिए आज बीफ बना हुआ था, मैंने ये पास्ता मंगवा लिया है ईद उल अज़हा के डिनर में। तो ये मुकाते हैं, तो एक बड़ी सी बाइट लेते हैं। मज़ेदार। The next day. का दूसरा दिन है, तो सबको मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक। आज फिर जा रहे हैं हम दावत पे, लगातार आप भी कह रहे होंगे कि लगातार दावत के व्लॉग कैसे आ रहे हैं, और भाई सानू दावत आ रही तो की करिए। तो दूसरे दिन से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दावत पे चलते हैं, कहाँ जाना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो हबीबाबाद जा रहे हैं जी हम। One hour later. तो पहुंच गए हैं जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे। कहाँ गए हैं हम? आए हैं हबीबाबाद यानी वहाँ पे। ओके। सबसे मिलने मिलाने के बाद अब वक्त हो गया है खाने पीने का, कुछ मीठा हो जाए, कुछ चटपटा नमकीन हो जाए, इसके बाद खाना खाते हैं। तो स्टार्टर में हमारे पास है जी मैंगो और पीच जूस और कुछ स्नैक्स, तो मैंने सेलेक्ट किया जी मैंगो जूस। A few moments later. तो व्लॉगर यार, मैं तो हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में बतानी पड़ती है, तो आपके सामने है मेन्यू, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है।
सबसे पहले करते हैं जी मटन राइस टेस्ट। मेरी फेवरेट स्पेक्टी भी आ गई तो इसको टेस्ट करके बताते हैं। यार इसका टेस्ट तो वाकई हर चीज़ से लाजवाब है। तो खाना वगैरह खा लिया, खाने से फ्री हो गया, तो काफ़ी मज़ेदार खाना बना था। तो मैं कहाँ आया था, तो मैं मतलब लास्ट फूफो थी, सबसे बड़ी फूफो, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि ईद की दावत पे आए। तो सबसे बड़ी फूफो की दावत पे आया था मैं, उन्होंने बुलाया था। तो डेली रूटीन है, तो डॉक्टर वगैरह जो भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस। घर वापस आ चुके हैं, तो यही पे करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल बारबेक्यू का व्लॉग आने वाला, वो भी ज़रूर देखिएगा।